मेरे काम में मुदाखलत हुई, महज नाम का वजीर नहीं बन सकता। सब वजीरों का यही हाल है, हर किसी के पास नई कहानी है। मुस्ताफी सूबाई वजीर अमार यासिर पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं वजीर आजम रिजल्ट चाहते हैं तो फिर इख्तियार भी देना होगा। दावा किया हालात ठीक नहीं, पीटीआई के अरकान असेंबली भी परेशान है। वजीर आला पंजाब काफ लीग के तहफ़ुज़ात दूर करने में नाकाम, सूबाई वजीर अमार यासिर का इस्तीफा भी वापस न हुआ। इत्तेहाद के जो मामला तय हुए उन पर ताहल अमल नहीं हुआ। परवेज इलाही का शिकवा, उस्मान बुज़दार से मसला हल ना हो सका, इमरान खान के पास जाने का फैसला। शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा है, शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। शरीफ बरादरान और जरदारी की लूट मार से कौम को नुकसान हुआ है, दावा किया काफ लीग कहीं नहीं जा रही। सियासत में उतार चढ़ाव होता रहता है, बिलावल की भी फिक्र सताने लगी, कहा बिलावल की मां का सियासी फायदा जरदारी ने उठाया, इसका क्या होगा? अगर बिलावल ने सियासत करनी है तो उसको भुट्टो बनना पड़ेगा, जरदारी ने, इनका फ्यूचर तबाह हो चुका है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी, अदालत के बाहर कारकुनान की नारेबाजी, हंगामा आ रहा है। पुलिस और कारकुनान की धक्कमपेल, साद रफीक कहते हैं इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी नहीं करना चाहते। चीनी काउंसिलेट पर हमले की तहकीकात, मजीद मुलजिमान गिरफ्तार। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुजदार और कराची में कार्रवाइयां की गईं, मुलजिमान से जदीद असलहा दीगर सामान मिला। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां की गईं, ताल्लुक कड़दम तंजीम से है। कराची में लुटेरों की एक और बड़ी वारदात, और अंगी टाउन 5 नंबर में मोबाइल मार्केट में लूटमार, मुलजिमान 150 मोबाइल फोन्स लूटकर फरार, 8 मुलजिमान मोटरसाइकिलों पर सवार थे।